मध्य प्रदेश में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने वाली है। इसी के मद्देनजर सागर पुलिस मुस्तैद है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाहुबली कॉलोनी में एक पंचर की दुकान चलाने वाला अमर अवैध हथियारों की सप्लाई का काम करता है। आरोपी खंडवा और बुरहानपुर से हथियार बुलाकर अवैध तरीके से बेचता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि माल गोदाम के पास हथियारों का सौदा होने वाला है और पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 रिवाल्वर और 2 कट्टे सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद कर 3 आरोपी अमर अमृत और गोरेलाल को गिरफ्तार किया। अब पुलिस को आरोपियों से बड़े खुलासे की उम्मीद है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। की सूचना प्राप्त हुई थी, इस सूचना पर एक टीम तैयार की गई। उस टीम के द्वारा जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर अमर पिता गोविंद ठाकुर जो स्थानीय निवासी है, इसके अलावा अमर सिंह पिता अमृत सिंह ये सिग्नेचर है, और तीसरा जो इन 3 लोगों को पकड़ने के लिए सफलता अर्जित की है, जिनके कब्जे से हमारे पास 2 9mm पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 315 बोर के कट्टे और 2 जिंदा कारतूस 315 के बरामद किए हैं। इनके विरुद्ध विधिवत आम साहिब के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। हम इसका पुलिस रिमांड भी लेंगे और इनका आगे क्या लिंक है, शहर में इनने किन किन लोगों को हथियार बेचे हैं और इसके पहले भी कहीं कोई इस तरह के गैंग जो इनका लिंकेज जो बुरहानपुर का ये खकनार गांव है, खकनार थाने का गांव है पाचोरी, वहां की भी टीम भेजेंगे और उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। सागर एक्सप्रेस के लिए इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।